वो छोटा जो आप देख रहे हैं ना, इसका नाम है बबलू। ये छोटा सा है लेकिन बबलू है। ये बहुत बड़े बड़े काम करता है। ये भट साहब बोल रहे थे कि आएगा, खुला हुआ। मैंने कब बोला था? सर जी क्या कर रहे हो? मजे ले रहे हैं। और डॉन साहब भी रेडी हो चुके हैं। 333 333 टीम ज्ञानी साहब बढ़ा देगा। ये हमारे अकेले के लिए पेप्सियां पी रहे हैं। सॉरी 7 अप कोक पी रहे हैं। आज फिर हमारे साथ प्रैंक हो गया। आपको जैसा कि मैंने बताया था, बीच में हम आए थे, वो पीछे मेरे बीच है। अस्सलामुअलैकुम जी। तो भाइयों कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? सेहत तबीयत गोटी गटी चारियाँ सब ठीक हैं? हैरियत से उम्मीद करूंगा आप सब हैरियत से होंगे। जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग देखा, आपको मैंने बोला था ट्विंस टावर दिखाऊंगा, लेकिन खाने के चक्कर में जो है हमने ट्विंस टावर नहीं देख पाए। आज का जो व्लॉग है वो बहुत मजे का होने वाला है। आज हम जा रहे हैं जी बीच के अंदर। आप कहेंगे कि खाने के चक्कर में ये बीच भी नहीं जाएंगे, लेकिन नहीं, आज जो है वो हम बीच जा रहे हैं। मैं और मेरे दोस्त जाएंगे। तो अभी सुबह का टाइम है, देख सकते हैं आप, सुबह का टाइम है। और अभी हम जो है वो थोड़ा सा खाना शाना खा लेते हैं, क्योंकि बहुत शदीद किस्म की भूख लगी हुई है। तो ये हमारे शहजादे जो हैं वो उड़ चुके हैं। ये भट साहब हैं। भट साहब अस्सलाम वालेकुम। कल आपने बहुत अच्छा हमें ट्विंस टावर दिखाया है। और ये भट साहब हैं। और ये मलेशिया के डॉन हैं। और वो समी भाई खड़े हैं, अली भाई और दो हमारे जो दोस्त हैं। वो छोटा जो आप देख रहे हैं ना, इसका नाम है बबलू। ये छोटा सा है लेकिन बबलू है। ये बहुत बड़े बड़े काम करता है। बहुत तेज हो रहा है बबलू। कैसा है? अबे ये पूरा दिन मुझे तंग ही करता रहता है बबलू। ये जो है मुझे पूरा दिन तंग ही करता रहता है गाय। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं जो तकरीबन 10 बजे खुलता है, और अभी तकरीबन 9 हुए हैं। मैं कह रहा भी हूँ समी भाई को, लेकिन समी भाई कह रहे हैं कल मैंने उसे बता दिया था, तो आज वो जल्दी खुलेगा। ऐसा ही है समी भाई। मुनीब डॉन साहब, डॉन जी कल फिर बड़ा अच्छा घुमाया आपने। हाँ जी जी, हाँ जी, एंजॉय करना चाहिए। घुमाया तो कल आपने था हमें घुमाया तो मोहित भाई आपने है। अरे मैंने नहीं घुमाया, घुमाया शाहजी ने था। हाँ मोबाइल किसके हाथ में था? मोबाइल बस शाहजी के हाथ में था। मली कंट्रोल कंट्रोल। फाइनली जो है वो हमारा रेस्टोरेंट जिसमें हमने कल लास्ट ब्लॉग में खाना खाया था वो बंद है। और ये सारे समी भाई के कारनामे हैं। शाहजी आपको बोला था वो बंद है? मैंने आपको बोला था कि वो बंद है सर। मैंने भी बोला था। ये भट साहब बोल रहे थे कि आएगा, खुला हुआ। मैंने कब बोला था? नवाज शरीफ आ गया जी, बिल्कुल आ गया। भाई लेके आ गया, दवाई लेके आ गया। नवाज शरीफ कम बैक। इमरान खान अच्छा है, नवाज शरीफ अच्छा है। नवाज शरीफ आए मलिय अगर है। मुनीब मुनीब ऐसे ही है, ऐसे ही है। ब्रेक ब्रेक ये मलेशिया में जो है वो पैदल जो चलते हैं उनके लिए ये ऐसा है निज़ाम जो पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। ये जो है ये प्रदेश होता है, सब एक साथ जो है वो एंजॉय करने में लगे हुए हैं। अच्छा जी क्या ऑर्डर किया है? पराठे किए हैं और चने किए हैं। अच्छा बाकी लस्सी से मंगवाई है। अच्छा यार फाइनली जो है हमारा देसी खाना आ गया, चने हैं और इसके साथ जो है वो देसी पराठे हैं। क्या मजा आने वाला है। ओए होए होए होए, ये सारा पट साहब ने खाया है। करो करो मेनू बदनाम करो। अच्छा जी के कर रहे हो? मजे ले रहे हैं। ए रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं सोके सोके। चाय है वो आ चुकी है और मुनीब भाई की भी चाय आ चुकी है। बट साहब आपकी चाय नहीं अभी तक आई। आ जाती है, क्या कर रहे हैं आप? अच्छा। अपनी पिए ठंडी हो रही है, वो देखें सूखी गिर रही है। आए बड़े दिनों के बाद जो है वो देसी मौज है। है चीनी नहीं है? अच्छा आए हाय कब चाय आए हाय आए हाय।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज जो है वो हम रेडी हो चुके हैं और हमारा जो स्क्वाड है वो भी रेडी हो चुका है और डॉन साहब भी रेडी हो चुके हैं। 333 333 वसीम डॉन साहब, क्या बात है। हाँ वसीम ज्ञानी साहब, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा है। दोनों डॉन एक साथ, वो भी हौसले के साथ। अरे सैयद बादशाह है, या अली मदद वाले बादशाह सैयद बादशाह, क्या बात है। शाह जी किधर लेके जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं बीच प्रोडक्शन, आज बीच जा रहे हैं। बड़े खूबसूरत लग रहे हैं। थैंक यू। वैसे मुझे कभी किसी ने कहा नहीं है। हमारी आवाम जो है वो कमेंट्स में बोल रही है माशाल्लाह। कमेंट्स आएंगे तो पता चलेगा हम कैसे लग रहे हैं। तो अभी क्या ग्रैब साहब करा लिया है या कोई? ग्रैब का अभी कर रहे हैं बस, अभी कर रहे हैं। और बट साहब अभी इधर बैठे हुए हैं। अली भाई आइकॉन का की मतलब है? आइकॉन का मतलब ही नहीं पता, देख ले सर। आइकॉन जो है ना, मतलब स्पेशल कैटेगरी होनी है ना उसे। अभी जा रहे हैं हम बीच में और ग्रैब में बैठे हैं और हमारे साथ हैं जी शफीक डॉन साहब। आपने लास्ट व्लॉग इनका देखा होगा जब हमारे साथ थे, काफी अरसे के बाद इनके साथ मुलाकात हुई है। शफीक भाई कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे एक साल के बाद ही, एक साल पहले दिवाली पे मिले थे। ऐसा ही है, दिवाली आई है तो इंशाल्लाह बात हो रही है। तो वैसे बेसिकली दिवाली हमारी तो नहीं है, लेकिन क्या है कि हम जिनके साथ काम करते हैं तो छुट्टियाँ अभी हुई हैं। तो अभी कहाँ लेके जा रही हैं? अभी हम जा रहे हैं जी, कोई देखें जो जगह पसंद आएगी। अभी तो फिलहाल जा रहे हैं। प्रोग्राम तो बढ़ गया भाई साहब। प्रोग्राम एक बढ़ गया, हमारा प्रोग्राम भी बढ़ना चाहिए। तो फाइनली हम जो है वो बीच के पास कहीं पहुँच गए हैं। अभी पीछे है बीच या किधर है अभी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं शाहजी और शफीक भाई जो है वो पहुँच चुके हैं और हमारे जो दोस्त हैं वो हमारा वेट कर रहे हैं वो सामने। अभी उनके पास चलते हैं। तो यहाँ बहुत गर्मी है शाहजी, बहुत गर्मी है। वो सामने नीचे जो है बीच है और ये अभी पार्क है छोटा सा और यहाँ इन्होंने सेल लगाई हुई है और ये सारा स्क्वाड जो है वो हमारा जा रहा है। बट साहब बहुत प्यारे भाई हैं हमारे, अकेले अकेले पेप्सियाँ पी रहे हैं, सॉरी सेवन अप कोक पी रहे हैं। और डॉन साहब देखिए आगे जा रहे हैं, क्या बात है डॉन साहब की मली हुई है। और अभी जो है हम पहुंच चुके हैं बीच में, चेक कर सकते हैं क्या खूबसूरत है माशाल्लाह। और यहाँ जो है सबने कैंपिंग की हुई है। हर गार शाह जी ने हमें पिछली दफा बोला था कि हम जो है वो जाएंगे देखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जिसका हमें इंतजार था वो चेक कर सकते हैं, क्या व्यू है माशाल्लाह, क्या खूबसूरत जगह है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं इस टाइम हम बीच में हैं और बहुत लाइफ में मैं पहली मरतबा जो है वो बीच में है और क्या बात है यार, ज़बरदस्त माशाल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे पाकिस्तान कराची में है लेकिन आज हमने पहले लाइफ में पहली बार मैं इसे देखा। अभी जो है वो हमारे डॉन साहब हैं, मुनीब डॉन साहब। हाँ हाँ मोबाइल का जिक्र करना है क्योंकि ये जनाब जो है ये नहीं बता रहे कि गुम हुआ है, लेकिन इनके करनाम बता रहे हैं कि इन्होंने कैसे गुम किया। प्रोग्राम बढ़ गया। अभी पूरा प्रोग्राम हमारा बढ़ गया था। किस वजह से बढ़ गया था कि ये जो मुनीब डॉन साहब हैं ये अपना मोबाइल जो है वो गाड़ी के अंदर ही छोड़ आए थे। अभी हमने फर्स्ट जो है वो ग्रैब चेक किया और उसका नंबर निकाला है और उसके बाद जो है उसे फ़ोन किया, हमने कहा जी हमारे जो डॉन साहब हैं वो अपना मोबाइल जो है गाड़ी में छोड़ आए हैं। तो वो शुक्र है उन्होंने कॉल उठा ली है और वो अभी जो है हमारे जहां घर है उधर दे जाएंगे। शुक्र है अल्लाह का। मुनीब साहब का आईफोन 16 प्रो मैक्स, आईफोन 16 प्रो मैक्स जो है वो वापस आ गया। हाँ बिल्कुल इन्हीं के लिए लॉन्च हो गया। अभी जो है वो हमारा प्लान थोड़ा सा चेंज हुआ है। हम कह रहे हैं जी आज रात जो है वो यहाँ गुजारी जाए। सारे भाई कह रहे हैं जी आज बाकी रात गुजारनी चाहिए, वो भी बीच के सामने। तो अभी जा रहे हैं एक होटल देखा है, उसमें देखते हैं अगर बात बन जाती है तो ले लेंगे, वरना फिर क्या होगा शाह जी, फिर वापस जाएंगे। हम आ चुके हैं जी खाना खाने के लिए और यहाँ सब मेरे भाई बैठ चुके हैं। अभी खाना खाएंगे फिर उसके बाद जो है वो नीचे हमने फिर करना आएंगे। हाँ इंशाल्लाह, अभी रूम लेने के लिए गए थे लेकिन अभी रूम नहीं हमें मिला, फिर देखते हैं क्या सीन बनता है। लेकिन पहले पेट पूजा फिर काम पूजा, तो अभी खाना खाते हैं।
हमने कपड़े शपड़े चेंज कर लिए, हम गए थे वॉशरूम, लेकिन वहाँ इतनी लाइन लगी थी, इतनी लाइन लगी थी कि हमने कहा आप घर ही जाके जो है वो ये साफ कपड़े जो हैं वो पूरी बॉडी रेत के साथ भरी हुई है, क्योंकि ये नमकीन पानी था और रेत वाला भी पानी था, पूरी बॉडी उसके साथ भरी हुई है, लेकिन फिर भी चलते हैं। देखें डॉन साहब और ये सारे ये जो गीले कपड़े थे हमने यहाँ डाल दिए जी। तो व्यूअर्स आज हमारे साथ फिर प्रैंक हो गया है, जैसे आपको पता है मेरे साथ हमेशा प्रैंक ही होता है, जितने भी आपने व्लॉग देखे होंगे उसमें मेरे साथ प्रैंक ही हुआ है, आज फिर हमारे साथ प्रैंक हो गया आपको। जैसे कि मैंने बताया था बीच में हम आए थे, वो पीछे मेरे बीच है अभी तो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा। सीन कुछ यूँ है कि हमने कराई थी दो ग्रैबें, क्योंकि हम तकरीबन 7-8 बंदे थे तो हमने दो ग्रैब्स कराई थी। तो मेरी वाली ग्रैब थी जिसमें मैंने जाना था और शाजी ने जाना था और एक और भाई उन्होंने जाना था, अभी मुसलसल ग्रैब का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी ये इतनी रश है कि ग्रैब वाले एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे और शाहजी मुसलसल लगे हुए हैं। शाहजी से पूछते हैं, शाहजी ग्रैब हुई है कोई नहीं? उन्हें चाय ही नहीं है, कैंसिल कर देते हैं यार, कैंसिल कर रहे हैं, उन्हें पता चल गया है कि यार ये मजबूर है। अनिल जो है हमें ग्रैब मिल चुकी है, अभी हम रहते हैं उसमें। तो गुड मॉर्निंग, जैसा कि आपने देखा था रात को हमें जो है वो ग्रैब नहीं मिली थी, लेकिन ये अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र हुआ है कि रात को हाँ ग्रैप मिल गई थी। फिर हम घर आ गए थे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम के साथ। तो आज का ब्लॉग यहीं मैं ख़त्म करता हूँ, उम्मीद करूँगा आज का भी आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। मज़ीद इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान, जिंदाबाद।